दोस्तों कुक पेस्ट्री विद संतोष में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए राधे राधे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक कटोरी सूजी ले ली है और इसे अच्छे से हमने छान लिया है, साफ कर लिया है। यानी आपके पास जो भी सूजी हो, मोटी या पतली, उसे आप ले सकते हैं। इसका हम केक बनाएंगे सूजी का, और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ये हमने ग्राइंड ले लिया है और इसमें सूजी डाल देते हैं और इसे एक बार हम पीस लेते हैं। इसका फाइन पाउडर बना लेते हैं। जो भी आपके पास है मोटी वाली वो भी आप इसी तरह से, और पतली वाली है वो भी हमें पीसना है। और ये हमने सूजी का पाउडर बना लिया इस तरह से, ये देखिए। और इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। और ये हमने चीनी ले ली है। चीनी हमें डेढ़ कटोरी लेनी है। एक कटोरी सूजी ली थी और एक नाप ले लें या कप ले सकते हैं, या कटोरी, हमने कटोरी ले लिया। इसी तरह से आप मेजरमेंट कर सकते हैं। और इसे भी हम इसका पाउडर बना लेते हैं। चीनी का डेढ़ कटोरी लेना है चीनी के लिए। आधा कटोरी ये है बेसन डाल देते हैं। और इसे भी हम फाइन पाउडर बना लेते हैं इसका। और ये हमने चीनी का भी पाउडर बना लिया है और इसे हम छान लेते हैं। इसके ये छोटे छोटे टुकड़े होंगे वो इसे हम निकाल देते हैं। और इसमें हम दो चम्मच ऑयल डाल देते हैं, खाने वाला ऑयल। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप बटर भी ले सकते हैं इसके लिए। और इसमें ये हमने चीनी का पाउडर बनाया था वो इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम डालते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे अच्छे से हम मिक्स करते जाएंगे, एक बार में नहीं डालना। प्लीज हमें सपोर्ट किया करें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और ये हमने चीनी डाल दी है पिसी हुई। और ये हमने एक कटोरी दही ले लिया, वो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक बार में नहीं डालना। और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। और इसे अच्छे से हम फेंट लेते हैं। ये हमने सूजी रखी थी वो इसमें हम थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे और इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। इसे अच्छे से हमें फेंटना है, इसमें लंप्स नहीं होने चाहिए एक भी। अगर आपको ये थिक लगती है तो इसमें थोड़ा सा आप गर्म दूध ऐड कर सकते हैं। इसमें हम अभी थोड़ा सा दूध डालेंगे क्योंकि ये सूजी है और रेस्ट के लिए छोड़ेंगे तो ये सूजी भी जाएगी अच्छे से। थोड़ा सा गुनगुना है ये, ज़्यादा गर्म नहीं है। और इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। और ये हमने कोको पाउडर ले लिया है, इसमें ये हम दो चम्मच डाल देते हैं। इसे भी मिक्स कर लेते हैं, पहले इसे मिक्स कर ले फिर और ऐड करेंगे इसको। हमें एक चम्मच और डाल देते हैं और इसे भी मिक्स कर लेते हैं। और इसे हम अभी रेस्ट के लिए रख देते हैं 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। ये अच्छे से सूजी फूल जाएगी। हमने टूटी फूटी ले ली है, इसमें हम थोड़ा सा एक चम्मच वो अरारोट डाल देते हैं, इससे ये ड्राई हो जाएंगे। आपके पास मैदा है तो वो भी डाल सकते हैं। और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। और इसका ये एक्स्ट्रा अरारोट है वो हम निकाल देंगे। और ये हमने कुकर ले लिया है, पुराना कुकर है, इसमें हम केक बनाएंगे। और ये हमने नमक ले लिया, वो इसमें नमक डाल देते हैं और इसे हीट होने रख देते हैं 5 मिनट के लिए। और हम केक के लिए तैयारी कर लेते हैं। ये हमने एक बाउल ले लिया है, आपके पास केक का ट्रेन है वो ले सकते हैं। इसलिए हम थोड़ा सा ऑयल से ये ग्रीस कर लेते हैं।
इसे अच्छे से हम ग्रीस कर लेते हैं। ये हमने बटर पेपर ले लिया है और इसे भी हम ग्रीस कर लेते हैं ऑयल से, और ये बटर पेपर इसमें हम डाल देते हैं अच्छे से। और ये हमने अच्छे से इसमें बटर पेपर लगा दिया है। और ये 10 मिनट हो गए सूजी के लिए रेस्ट के लिए, और इसे हम एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं। इसे देख लेते हैं ये थिक है या पतली, जैसे हो उस तरह से इसे हम मिक्स कर लें एक बार। और ये हमने बेकिंग पाउडर ले लिया है, वो इसमें हम आधे चम्मच से कम डाल देते हैं। देखिए इतना, और इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं एक बार। और इसे जब बनाएं तभी डालें, पहले से नहीं डाल के रखते। और थोड़ा सा इसमें हम मीठा सोडा भी डाल देते हैं, खाने वाला सोडा, वो भी थोड़ा सा ही डालेंगे। और इसे हम थोड़ा सा ये भी पानी डाल देते हैं, ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे हम साइड रख लेते हैं। और ये ले लिया है बाउल, और ये हमने टूटी फूटी कोटिंग करके रखी थी वो इसमें हम डाल देते हैं नीचे थोड़ी सी, इससे ये देखने में भी अच्छा लगेगा नीचे से। और इस पेस्ट को हम इसमें ट्रांसफर कर देते हैं। छोटी छोटी ऊपर से भी डाल देते हैं। ये कुकर हमारा अच्छे से गर्म हो गया, इसमें ये रख देते हैं, आराम से रखते हैं, हाथ में नहीं लगता। और ये हमने इसमें रख दिया है इसमें होने के लिए, और इसे लो गैस पे 15 मिनट के लिए छोड़ दें। और ये हम इसका ढक्कन लगा देते हैं और इसकी भी सीटी निकाल देंगे, इसे कवर कर देते हैं। इसकी सीटी निकाल दी है, 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। और इसे केक के लिए रखे, इसे वो इसकी रही है वीडियो तो करके हम दिखा नहीं पाए उसके लिए सॉरी। और इसे हम एक बार निकाल के देख लेते हैं। ये देखिए केक हमारा बन गया है और सॉफ्ट भी है। इसे आपको कट करके अब दिखाते हैं, देखिए इसमें क्लीन निकला है। और इसे हम कट करके दिखाते हैं, सॉफ्ट है ये, देखिए बिल्कुल काटने से पता चल रहा होगा आपको। तो ये देखिए केक हमारा बन के तैयार है, उसके लिए सॉरी। हमारी ये वीडियो स्किप हो गई थी। हमारी रेसिपी देखिए अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर मिलते हैं नई वीडियो पर।